सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आ चुके हैं कोर कमाल के चिप सेंटर की वीडियो लेकर। सो गाइस, आज वीडियो में बात करेंगे गाइस क्लोज रेंज में आप 1v2 इजीली कैसे कर सकते हो। गाइस होता क्या है ना, बहुत बार आप अपने स्क्वाड के अकेले बंदे बचते हो, लेकिन गाइस आप सामने वाले स्क्वाड के बंदे दो बच जाते हैं एंड गाइस वहाँ पे गाइस आप उन एनिमी से मर जाते हो। लेकिन गाइस आज ये वीडियो देखने के बाद भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप भाई उन बंदों को इजीली मार दोगे, 1v2 इजीली कर दोगे एंड गाइस उस टाइम पे आपके टीममेट नॉक हुए एंड गाइज उस सिचुएशन से आपने अपने टीममेट्स को बचा लिया, तो भाई आपके गेम प्ले के पक्का वो फेन हो जाएंगे। तो गाइज अंदर की बातें जो 1v2 करते टाइम याद रखनी पड़ेगी आपको, वो तुम्हारा भाई तुम्हारे को बताने वाला है। तो गाइज देखो, उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि गाइज एंड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा मैं। और गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर देना, गाइज जो बंदा भी सब्सक्राइब नहीं करता ना इस चैनल को, वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर देता है इजी टिप्स एंड ट्रिक को। तो गाइज देखो, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड गाइज जो बंदा भी मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करता है ना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस कमेंट जरूर से करते रहना एंड गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो करते स्टार्ट। सो गाइस देखो, जब भी 1v2, 1v4, इवन 1v1 की भी बात आती है ना गाइस, तो सबसे पहली चीज़ होती है गाइस कॉन्फिडेंस। अब गाइस बहुत बंदे क्या करते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं 1v1 में भी एंड गाइस वहाँ पे वो मर जाते हैं। क्योंकि गाइस देखो, आप अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे ना, तो वहाँ पे गाइस ना तो आप अच्छे से अपनी मूवमेंट दे पाओगे, ना ही आप एम कर पाओगे। सो गाइस ये जरूर से ध्यान रखना कि अगर बंदे कितने ही पुश कर रहे हो भाई, सब कुछ भूल जाओ और कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रखो एंड गाइस अपने गेम प्ले को भूल जाओ। आप सिर्फ ध्यान में ये रखना है आपको कि भाई बंदे को निपटाना है इजिली एंड गाइस वहां पे अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस हाई रखा, तो आप अच्छी मूवमेंट दे पाओगे एंड गाइस एम भी अच्छे से कर पाओगे एंड बंदों को आप इजिली मार दोगे। गाइस ये खुद मैंने ट्राई किया है, मैं स्टार्टिंग में गेम खेलता था भाई, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता था, बंदे आते थे मैं पैनिक कर जाता था। तो गाइस देखो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, गाइस अच्छे से फाइट लेनी है, आप इजिली बंदों को निपटा दोगे। सो गाइस अगर आप पे दो बंदों का पुश आ रहा है एक साथ, तो आपको ट्राई क्या करना है गाइस, फाइट खुले में बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको ट्राई करना है कि ऐसी जगह पे फाइट लो जैसे कि भाई बंदे आप पे एक साथ दो बंदे पुश नहीं कर पाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सामने की तरफ अगर मेरे पे दो बंदों का पुश आएगा, तो देखो कितनी ज़्यादा जगह है गाइस, बंदे मुझे इजीली मार सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पे उनसे 1v2 की फाइट लेता हूँ, गाइस देख सकते हो ये दरवाज़ा कितना छोटा है गाइस, इस दरवाजे में से दो बंदे निकल नहीं सकते। तो गाइस अगर मैं यहाँ से इजीली उनको प्री फायर भी दूंगा ना, तो भाई एक एक करके बंदे मर जाएंगे। इवन भाई मैं यहाँ से भी फाइट ले सकता हूँ गाइस, दो बंदे एक साथ इस दरवाजे में से आ तो सकते नहीं। लेकिन गाइस अगर मैं सीढ़ियों से फाइट लूँगा, तो भाई वो दोनों बंदे एक साथ आ जाएंगे और मुझे दो दो गोली भी मारेंगे ना इस स्टूडियो पे से। देखो कितनी ज्यादा जगह है भाई, मुझे इजीली मार देंगे। तो गाइस ट्राई यही करना है कि आपको ऐसी जगह पे जाके फाइट लेनी है कि वहां पे गाइस दो बंदे एक साथ आप पे नहीं चढ़ सकें। एंड गाइस आपको सेकंड चीज क्या करनी है ना गाइस, अगर आपके टीममेट आपके आसपास नोक पड़े, तो उनसे बोलो भाई उनका हेलमेट वेस्ट वो गिरा दे, ताकि भाई आप इजीली उनसे फाइट ले पाओ। क्योंकि गाइस होता क्या है ना भाई, बंदे आपको एक HP बचा देता ना बहुत बार, तो भाई आप समझ जाओ कि आपके हेलमेट वेस्ट से बचे हो आप। देखो गाइस आपके टीममेट का हेलमेट वेस्ट अगर सही हुआ, तो भाई आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो। तो उनसे बोल दो फटाफट से अपने हेलमेट वेस्ट गिरा दे, अगर फ्रेश हेलमेट वेस्ट है तो। ये चीज़ गाइस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी 1v2 फाइट लेने में। सो गाइस अगर बात करें गाइस क्लोज रेंज में अच्छा परफॉर्म करना है गाइस, 1v2 करना है, 1v4 करना है क्लोज रेंज में, तो गाइस देखो सबसे पहली चीज़ है आपको थोड़ा टाइम तो ट्रेनिंग ग्राउंड को देना पड़ेगा गाइस। जैसे कि इस क्लच में देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं 1v4 क्लच करता हूँ, लेकिन गाइस देखो इस क्लच में ना गाइस मैं इतना ट्रेन था, मेरे हाथ इतने गर्म थे, फटाफट से हाथ चल रहे थे मेरे। अगर गाइस मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड करके नहीं आया हुआ होता इस गेम में, तो भाई इजिली मर जाता मैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं बंदों को कितना इजिली पेलता हूँ। सो गाइज आप जैसा कि देख सकते हो, वेक्टर में मात्र 13 बुलेट्स होती है, उनका यूज़ करके मैंने काफ़ी ज़्यादा इजीली ये क्लच परफॉर्म कर दिया। ये गाइज सिर्फ उस चीज़ की वजह से हुआ है गाइज, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा टाइम दे देता हूँ गेम खेलने से पहले। सो गाइज उस चीज़ से होता क्या है गाइज, आप अपने कंट्रोल को ईजिली ध्यान रख पाते हो गाइज, सारी चीज़ों को आराम से यूज़ कर पाते हो एंड गाइज देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आपकी मूवमेंट्स भी अच्छी होगी गाइज, एम भी अच्छा होगा। तो गाइज ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखना, जब भी मैच खेलो ना गाइज, तो आपको TDM में भाई थोड़ा टाइम देना या फिर
ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा टाइम देना ही जाए भाई, TDM में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्लोज रेंज की। एंड गाइस क्लोज रेंज की प्रैक्टिस उसमें भी कर सकते हो आप गाइस, ट्रेनिंग ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर ये ज़रूर से करोगे तो आप। सो गाइस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये पॉइंट, गाइस ये पॉइंट ध्यान से सुनना। सो गाइस देखो 1v2 की सिचुएशन आप पे बनी और बंदे आ रहे हैं, तो गाइस आपको वहाँ पे मूवमेंट कौन से देके मारना है, जिगल मूवमेंट यूज़ करना है या फिर प्रोन करना है या फिर क्राउच एंड फायर करना है। सो गाइस देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है गाइस, फर्स्ट बंदे पे आपको कोई सी मूवमेंट यूज़ करनी है, चाहे वो आप जिगल यूज़ कर लो, क्राउच एंड फायर यूज़ कर लो, लेकिन गाइस सेकंड जो बंदा है ना उस पे गाइस हमेशा डिफरेंट मूवमेंट देनी है आपको गाइस। अगर फर्स्ट बंदे पे जिगल दे रहे हो ना तो सेकंड पे प्रोन मूवमेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब प्रोन कर देना है सिंपली आपको, या फिर आप यूज़ कर सकते हो क्राउच एंड फायर। क्योंकि गाइस देखो फर्स्ट बंदे को आप जब मार रहे होगे ना तो सेकंड बंदा आपको रीड करता रहेगा कि गाइस ये बंदा कौन सी मूवमेंट दे रहा है, एंड गाइस यही मूवमेंट आप वो सोचेगा कि आप उसको भी दोगे, लेकिन गाइस वहाँ पे आप अगर मूवमेंट आप चेंज कर दोगे ना तो बंदा घबरा जाएगा एकदम से, एंड गाइस आप उसको ईजिली मार दोगे। सो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना मैंने सारे सब कुछ बता दिया वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है आपको, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी ना तो भाई कमेंट करके जरूर से बता देना कि हाँ मुझे वीडियो हेल्पफुल लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, आई लव यू गाइस।